साले निकम्मे निखट्टू, तू यहाँ कब आया? मैं क्या मैं चाचा जी वो यहीं रहता है। हाँ यहीं रहता है। यहीं रहता है। अब समझा निकम्मा कहीं का। तेरे पास भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तभी तो मेरे भतीजे के कमरे में आके सो जाता है और सुबह नहा धो के निकल जाता है। इसीलिए सोचूं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तुम्हें, हैं? गधा निखट्टू, तो तू बीच में आ रहा है और भूखा है? चाचा जी वो नहा धोकर मंदिर गई है। वाह देखा देखा मेरे बहू के संस्कार, और तू साले उसको डिस्टर्ब करता है। आइंदा अगर तू इन दोनों के बीच में दिखा ना तो तेरी टांगे इधर ही तोड़ दूंगा मैं, समझा? चल चल निकल, चल चल यहाँ से, चल। चाचा जी चल चल बाहर निकल, चाचा जी सुनिए तो सही, चल निकल निकल यहाँ से। अरे चाचा जी क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता ये कमीना रोज तुम्हारे घर में आके सोता था और सुबह तैयार होके निकल जाता था। और भाई साहब आपको भी नहीं पता, चंद्रमुखी को भी पता नहीं होगा इसकी तो मैं। अरे चाचा जी रहने दीजिए ना, जाने दीजिए। अरे क्या हुआ, ये इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे लेकिन ये है कौन? अरे इसके बचपन का दोस्त है ये कमीना। क्या मेरे साथ धोखा? हमारे घर में रह रहे तीन लोग और रेंट दे रहे दो लोगों का। कमाल है, हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है और हमें पता भी नहीं है। बुआ जी उनकी कोई मजबूरी होगी, वो तो यहाँ पर पढ़ रहा है। कुछ बुरा तो नहीं किया, अपना करियर बनाना चाहता है। बुआ आप तो समझो। ये सही कह रहे हैं बल्लू, बेचारे बत्ती के खंबे के नीचे पढ़ाई करने से भी ज्यादा मेहनत करते हैं ये, और तुम हो कि इन्हें ऐसे निकाल रहे हो। जाने दो इन्हें, छोड़ दो। अरे लेकिन ये बहू को डिस्टर्ब करता है। नहीं करेंगे, आज से है ना मैं इनको ऊपर वाला कमरा ऐसे ही दे देती हूँ फ्री में। नहीं नहीं मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, जहाँ मेरी इतनी बेइज्जती होगी वहाँ मैं रहूंगा ही नहीं। देखिए इसकी चर्बी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तेरी तो मैं। ठीक है तुम्हें यहाँ नहीं रहना है ना, तो आज के बाद यहाँ कभी मत आना। हाँ ठीक है नहीं आऊंगा,